वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की, और आर्ट एंड कल्चर के लिए हमारा सोर्स रहेगा नितिन सिंघानिया जी की बुक। तो इस बुक में सबसे पहले हमें आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के डिफरेंस के बारे में बताया हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्किटेक्चर जो कि लेटिन वर्ड टेक्टोन से डिराइव हुआ है, इस वर्ड का मतलब है बिल्डर। तो आर्किटेक्चर हम किसको बोलते हैं, किसी भी डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ हो सकता है, इसके लिए हमें इंजीनियरिंग की स्टडी और एक्यूरेट मेजरमेंट की नीड पड़ती है। और आर्किटेक्चर की जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है ताजमहल और रेड फोर्ट। इसके बाद आता है स्कल्पचर, जो कि प्रोटो इंडो यूरोपियन वर्ड कैल से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है टू कट और क्लीन। स्कल्पचर जनरली क्या होती हैं, स्मॉलर थ्री डायमेंशनल आर्टवर्क होता है जो कि सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल का बना होता है। इसके लिए हमें इंजीनियरिंग की स्टडी या एक्यूरेट मेजरमेंट की नीड नहीं पड़ती। इसके बाद हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो है नटराज की इमेज, डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल जैसा कि आप जानते हैं, हमें एक ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिली थी मोहनजोदड़ो में, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ने से पहले हम सील्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ सील्स जो हैं मिली हैं, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी पेपर में बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है सील्स पे, ये है, सील्स फॉर्म द मोस्ट एलिगेंट क्रिएशंस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इलुसिडेट। तो सील्स के हैं, हमें बहुत सारी सील्स जो हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक्सक्रेशन साइट्स पे मिली हैं। तो ये डिफरेंट शेप और साइज में मिली हैं, जैसे कि इनकी जो डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे ट्राइंगुलर शेप्स में भी मिली है, रेक्टेंगुलर शेप में, सर्कुलर स्क्वेयर शेप की जो सील्स हैं हमें हड़प्पन साइट्स पे मिली हैं। ये यूजली जो सील्स होती हैं वो यूजली किसकी बनी होती हैं, स्टीटाइट की। और स्टीटाइट क्या है, एक सॉफ्ट स्टोन होता है। इसके अलावा ये अगेट, कॉपर, गोल्ड और टेराकोटा और आइवरी की बनी होती हैं, जो कि हमें हड़प्पन साइट्स पे ये सभी मटेरियल की जो सील्स हैं बनी हुई हमें मिली हुई हैं। तो इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान यूज़ किए होंगे। इसके बाद सील्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है, तो सील्स जो हैं ये मोस्टली जो है कमर्शियल पर्पस के लिए या फिर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ हुआ करती थी। तो इसके अलावा हमें जो सील्स पे मैथमेटिकल इमेजेस भी मिली हैं, जो मे बी एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ हुआ करती होंगी। सील्स पे हमें कुछ इंस्क्रिप्शन बने हुए दिखे हैं, और ये इंस्क्रिप्शन मोस्टली किस में है, पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट में है। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये रिटर्न जो जब लिखी जाती है ये राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है, और फिर लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है। तो ये मतलब हम कह सकते हैं ये एक बाई डायरेक्शनल राइटिंग भी बोल सकते हैं हम इसको। तो इन सील्स पे हमें कुछ एनिमल फिगर भी बनी हुई दिखी हैं। तो एनिमल फिगर जैसे कि यूनिकॉर्न हो गया, हम्प्ड बुल हो गया, राइनोसोरस हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, बुफेलो हो गया, बाइसन, गोट एटेक्स्ट्रा। और कुछ हमें इमेजिनरी एनिमल भी इन सील्स पे बने हुए दिखे हैं, लेकिन हमें इन सील्स पे काऊ का एविडेंस जो है वो नहीं मिलता। तो इन सील्स पे हमें बैक साइड और उसकी फ्रंट साइड्स पे भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं, और कई बार तो हमें इसकी थर्ड साइड पे भी इंस्क्रिप्शन जो है वो मिला है। इसकी सील्स के कुछ एग्जांपल्स हैं पशुपति सील और यूनिकॉर्न सील। तो इसके अलावा हमें सील हड़प्पन जो सील्स हैं वो मेसोपोटामिया में भी मिली हैं। तो अगर हमें हड़प्पन सील्स मेसोपोटामिया मिली हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो क्या करती थी, मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है उनके साथ उनका ट्रेड रिलेशंस भी थे। तो आज हमने क्या पढ़ा,
आज हमने पढ़ा सबसे पहले आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में डिफरेंस। आर्किटेक्चर जो कि किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन या डिज़ाइन को हम क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से बनी होती थी। और इसकी एग्जांपल हमने जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट जो है, इसकी आर्किटेक्चर की डिफरेंस थी। उसके बाद हमने स्कल्पचर के बारे में पढ़ा। स्कल्पचर जो है कि कैल वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू कट और क्लीव। जनरली ये क्या होती थी, डायमेंशन आर्ट फॉर्म होती है, और ये यूजली एक ही टाइप के मटेरियल की बनी होती थी। तो इसके लिए हमें इंजीनियरिंग और एक्यूरेट मेजरमेंट की नीड नहीं पड़ती स्कल्पचर के लिए। उसके बाद हमने सील्स के बारे में पढ़ी, जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की बनी होती है और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की मिली। और इस पे हमें कुछ एनिमल फिगर्स भी, लेकिन हमें इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि काऊ का एविडेंस जो है हमें इन सील्स में नहीं मिला। तो इसकी सील्स के हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी, जैसे कि पशुपति सील, यूनिकॉर्न सील। और इन सील्स के बारे में, यूनिकॉर्न सील और पशुपति सील के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन करेंगे, उसमें हम इन सील्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो थैंक्स, प्लीज़ हमारा जो ये लेक्चर है इसको लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।